नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेमचंद सिंह मौर्य आज क्लास का पहला फर्स्ट स्टेप शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन या परिचय कैसे हुआ, कहां से इतिहास शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ, कहां से ख़त्म हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लांट पैथोलॉजी का डिफिनेशन। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब होता है कि पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान का डिफिनेशन, प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ काजेज, एटियोलॉजी, रिजल्टिंग लॉसेस एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट पैथोलॉजी विज्ञान की या कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसके काजेज का, जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं, इटियालजी हेतु की का अध्ययन करते हैं, रिजल्टिंग लॉसेस उससे कितना लॉस होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, और अंत में फिर हम अध्ययन करते हैं कि उस डिजीज को या उस रोग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इसलिए इसको कहते हैं कि कंट्रोल करना। तो प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच द बिल्स विथ द स्टडी ऑफ काजेज, इटियालजी, रिजल्टिंग लॉसेस एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट पैथोलॉजी हैज बीन डेराइव फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड। जो प्लांट पैथोलॉजी टर्म है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। जैसे आपने सुना होगा कि जो पहले टर्म हुआ करते थे ग्रीक हुआ करते थे, यूनानी हुआ करते थे, लैटिन वर्ड हुआ करते थे, उसी तरह प्लांट पैथोलॉजी तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट क्या है प्लांट, प्लांट इक्वल टू प्लांट, जिसको हम क्या कहते हैं पौधा कहते हैं हिंदी में। दूसरा है पैथोज, पैथोज इक्वल टू सफरिंग या एलिमेंट्स। सफरिंग मतलब पीड़ा उत्पन्न करना या जिसकी रोग उत्पन्न करता है उसको हम सफरिंग कहते हैं। और तीसरा क्या है लागस, लागस मतलब नॉलेज आर स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो पौधों पे जो रोग उत्पन्न करते हैं उसी का अध्ययन हम प्लांट डिजीज में करते हैं। इसलिए इसको हम शॉर्ट में कहते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट डिजीज का अध्ययन करते हैं, जो रोग उत्पन्न करता है उसे कितना लॉस होता है, उस लॉस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि किसान का मेन मोटो होता है कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक उत्पादन लेना, और वो कभी नहीं चाहेगा कि हम अधिक से अधिक लागत लगाएं और उत्पादन कम हो, इसलिए वो कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेगा। तो इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। अब प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी आल्सो कॉल्ड फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। आर प्लांट पैथोलॉजी कहिए या फाइटोपैथोलॉजी कहिए, दोनों मीन्स एक होता है। फाइटोपैथोलॉजी मीन्स भी पादप रोग विज्ञान होता है, प्लांट पैथोलॉजी मीन्स भी पादप रोग विज्ञान ही होता है। अब ये प्लांट पैथोलॉजी, अब प्लांट पैथोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले जब इतिहास शुरू हुआ तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू हुआ। धीरे धीरे जैसे विकास होता गया, लोग जितने साइंटिस्ट पे काम करते गए, अधिक से अधिक साइंटिस्टों ने इस पे काम किया, लेकिन ऑल वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा काम किया उस साइंटिस्ट का नाम था एंटन डी बेरी। इसीलिए इनको कहते हैं ऑल वर्ल्ड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड किसको कहते हैं, एंटन डी बेरी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ऑल वर्ल्ड के एंटन डी बेरी हैं। उसी तरह इंडिया में सबसे ज्यादा काम किए डॉक्टर ई जे बटलर साहब, इसलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। जो डॉक्टर ई जे बटलर साहब हैं, इनका पूरा नाम होता है एरन जॉन बटलर, इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया तो उस समय सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूसा में, नई दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट किया था प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, और वहीं से एक नए ब्रांच की स्थापना किया है। सबसे ज़्यादा वर्क इनका इस पर रहा है, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी डॉक्टर ई जे बटलर। अब जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, जो ग्रो आप प्लांट डिजीज लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, वायराइड्स, निमेटोड्स, एल्गी, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, ईटीसी, बहुत एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि जो प्लांट डिजीज को उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट कैन बी सीन नेकेड आई, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे
चीज दिखाई दे रहे हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट कैन बी सीन नेकेड आई, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। खुली आंखों से क्या नहीं देख सकते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, इटीसी, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए ओनली कैन बी सीन आई, नेकेड आई ओनली कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से कैन बी सीन माइक्रोब्स, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं। सो आज के लिए प्लांट पैथोलॉजी का डिफिनीशन कैसे बना, उसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, क्या उसकी मीन्स होता है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं और इंडियन फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कौन कौन से हैं, ये सब की जानकारी इस चार्ट में दिया गया है। थैंक यू।